हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज हम शुगर वाले भाई बहनों के लिए भिंडी की सब्जी लेकर आए हैं। और कैसे बनाते हैं जान लेते हैं। शुगर में भिंडी बहुत ही आरामदायी होती है, और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए जान लेते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए भिंडी की सब्जी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भिंडी को साबुत धोते हैं। काटने के बाद इसको नहीं धोना, साबुत धोना है। और कच्ची भिंडी लेनी है, एकदम जो छोटी भिंडी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं। सबसे पहले और अब देखिए सामग्री जान लेते हैं क्या क्या चाहिए। एक प्याज, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं चाहिए। और ये साबुत जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। और छोंकने के लिए हमें थोड़ा रिफाइंड तेल की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन देसी घी डालना है क्योंकि हम शुगर वालों के लिए बना रहे हैं, बहुत ही कम डालना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिंडी काट लेते हैं जो हमने धो करके रखी हुई है। कैसे काटना, पहले दोनों तरफ से ऐसे इसको काट लेते हैं, ऐसे दोनों साइड से काटना है, ऐसी सारी काट लेते हैं। और अब भिंडी दोनों तरफ से ऐसे काटने के बाद इसके हम पीस बना लेते हैं, थोड़े बड़े पीस रखने हैं। एक भिंडी के तीन ही पीस बनाने, ज़्यादा नहीं। और ऐसे सारी काट लेते हैं। और जब तक हम भिंडी काटते हैं, गैस पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें थोड़ा देसी घी डाल देते हैं। बिल्कुल थोड़ा डालना है, बिल्कुल कम डालना है क्योंकि हम शुगर वाले भाई बहनों के लिए बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा चिकनाहट ठीक नहीं है। और तब तक हमारा घी गर्म होता है, भिंडी सारी काट लेते हैं ऐसी। और भिंडी के बड़े पीस इसलिए रखने हैं ताकि भिंडी की जो लार होती है भिंडी के अंदर ही रहे, अलग ना हो, क्योंकि इसकी लार शुगर में बहुत ही लाभदायी होती है, इसलिए भिंडी की सब्जी बनाते हैं। और देखिए श्याम, सुबह शाम, और पानी अधिक से अधिक पीना। और देखिए अब हमारा घी गर्म है, अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। और जैसे ही हमारा जीरा ब्राउन होता है, एक बारीक काट कर प्याज रखी हुई है, अब ये भी डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डालना, बस ऐसे ही बनानी है। और देखिए अब प्याज को हल्का लाइट करना है, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। और अब इसमें भिंडी डालते हैं, और भिंडी को काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोना, सिर्फ साबुत धोना है, वो हमने पहले भी बताया, काटने के बाद भिंडी नहीं धोना। अब सबसे पहले हम एक छोटा चम्मच हल्दी, उसको ऐसे थोड़ा घुमाते हैं। अब इसमें भिंडी डाल देते हैं, इनको अच्छे से फ्राई करते हैं, अच्छे से फ्राई करना, इनको हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालते हैं, और नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। इसको थोड़ा घुमाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक चम्मच, ये देखिए। अब इसको ढक देते हैं ताकि इसकी लार अच्छे से इसके अंदर ही रहे, और ये अच्छे से गल सके, क्योंकि इसकी लार बहुत ज़रूरी होती है जो इसके अंदर रहे। तो देखिए इसको थोड़ा बीच बीच में खोल करके देखते हैं ताकि भिंडी ज़्यादा चिपके नहीं। देखिए जैसे इसकी लार होती है, ये देखिए ये इसके अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से इसकी लार कम हो जाती है, इसलिए इसको कम फ्राई करना। और जैसे ही हल्का सा गल जाती है, देखिए तो हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। और एक बार फिर से विनती करती हूँ, शुगर के भाई बहन शेयर ज़रूर करना, और पानी अधिक से अधिक पीना, जितना भी ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना, देखना आपकी शुगर एकदम ठीक होगी।
देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। अब गैस बंद कर देते हैं इसको परोसते हैं। और देखिए जैसे हमने बताया ऐसे ही बनानी है, इसमें टमाटर लस्सी कुछ नहीं डालना, सिर्फ मसाले कम रखने हैं। इसको परोसते हैं। देखिए अब हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है जो शुगर वाले भाई बहनों के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, ये देखिए। जय माता दोस्तों।